पहले अपने अबू का एक्सीडेंट हुआ है, उससे उसकी वजह से उसकी बदौलत हमारे हालात इतने ख़राब थे। अगर हमने यहाँ के सबसे महंगे अस्पताल में वो 1.5 लाख रुपए का ऑपरेशन, वो फ्री हुआ है उसके, इससे बड़ी क्या चीज़ सेहत कार्ड मुझे, हाँ जी वो फ्री हुआ है, मैं गवाह हूँ, मेरे अबू का ऑपरेशन हुआ है इस पे फ्री। भाईजान जो भी है जो भी है, लेकिन ये शऊर दे दिया इमरान खान ने, बच्चे बच्चे को दे दिया। ये जरदारी नवाज शरीफ पे का इल्ज़ाम लगाया, नवाज शरीफ इस पे लगा रहे हैं, अब ये ऐसे ही हो रहा है, पहले इकट्ठे थे सारे, अब किधर गए हैं सारे। ये जो लोग कहते हैं नवाज शरीफ ने मोटरवे बनाई है, ठीक है ये कोई गरीब आवाम को खाने के लिए देती है, ठीक क्या गरीब मोटरवे पे जा नहीं सकता, ठीक है अमीरों के लिए बनी है, अमीर जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाती है, बसें जाती हैं, कोई खाने को नहीं मिलता। इमरान खान ने अस्पताल बनाया है, ठीक है गरीब आवाम का सहारा बना है, वो कैंसर हॉस्पिटल जो बना है कराची में बना हुआ है, ठीक है वो गरीब आवाम के लिए बना है, मुफ्त इलाज होता है सबका वहाँ, ठीक है। लाहौर भी उसने बहुत काम किया, लाहौर में पनाहगाहें बनाई है उसने, वो भी अच्छा काम किया उसने, ठीक है हमने अपनी आंखों से देखा है। यहाँ तक के सेहत कार्ड आप सबको पता है इमरान खान ने निकाला है, इसी तरह किया है। मेरे अपने अबू का एक्सीडेंट हुआ है, उससे उसकी वजह से उसकी बदौलत हमारे हालात इतने ख़राब थे। अगर हमने यहाँ के सबसे महंगे अस्पताल में वो 1.5 लाख रुपए का ऑपरेशन, वो फ्री हुआ है उसके, इससे बड़ी क्या चीज़ सेहत कार्ड मुझे, हाँ जी वो फ्री हुआ है, मैं गवाह हूँ, मेरे अबू का ऑपरेशन हुआ है इस पर फ्री, काफ़ी बंदों का हुआ है, ये उसने निकाला और किसने निकाला मुझे बताओ। 1.5 लाख रुपये कोई देता है आज? कोई 10 रुपये दे के राजी नहीं है आज। खान साहब को कोई पैगाम देंगे? बस जी खान साहब को यही पैगाम देना है जी, हम आपके साथ हैं, ठीक है हम यानी अगर ये खान साहब आते हैं तो हम इनके साथ रहेंगे, और ये पाकिस्तान को इंशाल्लाह ये मुस्तकबिल में ये यानी ये काम तरक्की देंगे पाकिस्तान को। सर आपकी सियासी मोहब्बत किस पार्टी से है और किसको आप देख रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान का? सर हमारी तो दुआ है PTI है, पर हालात नहीं लग रहे कि PTI आएगी। कैसे हालात हो गए यार, नज़र नहीं आ रहा आपको? ये भाई सिलेक्ट हो गया, नवाज शरीफ ही आएगा, ठीक है वो सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, इसको सिलेक्ट कर दिया। भाईजान जो भी है लेकिन ये शऊर दे दिया इमरान खान ने, बच्चे बच्चे को दे दिया। बस हम ये कौम यही चाहती है, जो आपने बात की है कि आप सल्लम ने ये रोड बनाया, उन्होंने भी शऊर दिया लोगों को, ठीक है अपने लिए जो सच्चा लीडर, हमें बच्चे बच्चे को पता है कौन सच पे है और कौन झूठा है। मैंने सिर्फ ये बात किया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन लीडर कोई नहीं था, और हमने नहीं देखा, हमने नहीं पढ़ा कि उन्होंने रोड्स बनाए या उन्होंने सड़कें बनाई हैं। भाईजान कौम बनाई है, उम्मत बनाई है उन्होंने, कौम बनाई है, ठीक है उन्होंने शऊर दिया लोगों को। वही लीडर चाहिए जो ये गुर्बत खत्म करे, जो चाहे इमरान खान आए चाहे नवाज शरीफ आए। अब तक आपको कोई लीडर नहीं नजर आया? अब तक तो सारे एक दूसरे से बढ़ रहे हैं, कमी पेशी तो किसी में नहीं है। या अलबत्ता नवाज शरीफ आ जाए तो कोई बेहतरी आ जाए, नवाज शरीफ आ जाए तो बेहतरी आ जाए, कुछ बेहतरी आ जाए। उम्मीद तो है, ये भाई कह रहे हैं कि इमरान खान आ जाए तो बेहतरी आ जाएगी। मुश्किल है इमरान खान के साथ, बहुत मुश्किल है, उम्मीद भी नहीं है इमरान खान की, उम्मीद नहीं। पहले भी यही हालात जिसकी वजह से हुए हैं। ये क्या हो गया? सिलेक्ट हो गया, नवाज शरीफ ही आएगा, वो इन ये सारे चोरों ने मिलकर उसको उसका जीना आराम किया, ठीक है वो अब जेल में है। अब ये फिर पीपल पार्टी अलग हो गई, पहले ये इकट्ठे थे, सारे इकट्ठे थे, पहले पूरी 13-14 पार्टी, हाँ 13-14 पार्टी इकट्ठी थी, अब उस बेचारों को कैद करके अब ये फिर अलग हो गए हैं, ठीक है। अगर इन्होंने इस तरह चलना तो फिर इकट्ठे होकर ना मुआवजा करे ना भाई, एक ही बना देना सारी पार्टी, एक ही बना दे फिर पाकिस्तान चलाएं। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया? ये जो पीडीएम बनी थी कहाँ गई है? अब सारी पीडीएम जो बनी थी ये कहाँ गई है? पहले इन हुक्मरानों से सवाल ये बात, ये आज ये कहते हैं अब जब इलेक्शन होते हैं, पहले इन्होंने इमरान खान को गिराने के लिए सारे मिल गए थे, अब कहाँ गए? अब अलग-अलग हो गए, अब फिर सारों ने अलग-अलग जमात बना ली है। नहीं अब देखे ना, अब वो ये जरदारी नवाज शरीफ पे का इल्जाम लगाया, नवाज शरीफ इस पे लगा रहे हैं, अब ये ऐसे ही हो रहा है, पहले इकट्ठे थे सारे, अब किधर गए हैं सारे? जो और मेन चीज़ जो यानी तालीम है, जो शऊर देती है इंसान को, उसका वो निज़ाम किसने बनाया? आपको पता, मुझे पता, अंग्रेज ने बनाया हमारा तालीमी निज़ाम, ठीक है। जो शऊर हमें बच्चों को मिलना था वो तालीमी निज़ाम ही हमारा ऐसा है, हमें ये शऊर नहीं सिखाया जाता, हमें सिखाया जाता है यार तुमने बड़ा होना है, तुमने पैसे कमाने हैं, हमें ये नहीं बताते यार तुमने बड़े होकर तुमने इंसानियत की खिदमत करनी है, तुमने इनका सारा बनना गरीबों का, हमें ये सिखाया जाता है तालीम में, यार तुम पैसा है बस जिंदगी में।